दिल्ली के एम्स अस्पताल का सर्वर अभी भी डाउन है और यहां अभी भी मैन्युअली काम हो रहा है, जिससे काफी दिक्कत हो रही है। एम्स का सर्वर गुरुवार की सुबह से ठप पड़ा है, जिसके कारण यहां दो दिन से मैन्युअली काम हो रहा है। एम्स प्रशासन का कहना है कि जांच जारी है और सर्वर को रीस्टार्ट करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की शुरुआती जांच के मुताबिक सर्वर हैक होने की वजह साइबर हमला नहीं है। दरअसल एम्स का एंटीवायरस सर्वर लाइसेंस खत्म हो गया था और नेटवर्क का फायरवॉल काम नहीं कर रहा था। दिल्ली पुलिस के अनुसार एम्स के कंप्यूटर भी काफी पुराने हैं, जो ठीक से काम नहीं करते हैं। हालांकि साइबर हमले के एंगल से भी जांच की जा रही है।